एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम घर पर इजीली कैसे क्लीन अप कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें पार्लर में जाके एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज में हम एक क्लीन अप करेंगे। इस क्लीन अप में लगने वाली सिर्फ 2 चीजें ऐसी है जो हमें मार्केट से लानी होगी, बाकी सारी चीजें हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप हर महीने अपने क्लीन अप के पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेप रहेगी मेकअप को चेहरे से रिमूव करना। मेरे चेहरे पर अभी कोई भी मेकअप नहीं है, अगर आपके चेहरे पर मेकअप होगा तो आप उसे रिमूव कर लीजिए। उसके बाद हम अपने चेहरे को फेस वॉश से क्लीन कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर डर्मा का एंटी एक्ने फेस वॉश है, मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। आपके पास जो भी फेस वॉश हो आप ले सकते हैं। फेस वॉश से हम अच्छी तरह से अपना चेहरा क्लीन कर लेंगे, इससे हमारे चेहरे के पोर्स क्लीन हो जाते हैं और जो भी धूल मिट्टी हमारी स्किन पर लगी होती है वो निकल जाती, इसलिए इस स्टेप को करना ज़रूरी है। अच्छी तरह से फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं अभी मेरी स्किन कितनी क्लियर दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लींजिंग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आयुर का एक क्लींजिंग मिल्क लिया है। जो भी क्लींजिंग मिल्क आपके पास अवेलेबल होगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ मार्केट में 30 रुपीज में क्लींजिंग मिल्क मिल जाता है और अच्छा है, वर्क भी बहुत अच्छी तरह से करता है और आयुर के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक होते हैं, इसलिए आप एक क्लींजिंग मिल्क जरूर ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ है जो हमें मार्केट से ये लानी है, उसके बाद सेकंड चीज़ कौन सी वो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। जिस तरह से हम अपने बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है वार्म अप, उसी तरह से हम क्लीन अप करने से पहले हमारे फेस पर अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे, इससे हमारा फेस रेडी हो जाएगा क्लीन अप करने के लिए। जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी करनी, इन स्टेप को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर वेट वाइप्स लिए और पूरी तरह से क्लींजिंग मिल्क में अपने चेहरे से रिमूव कर लूँगी। आप नॉर्मल टॉवल भी ले सकते हैं और उसे गीला कीजिए और रिमूव कर दीजिए अपने चेहरे का क्लींजिंग मिल्क। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी स्टीम लेना। मैं अपने चेहरे पर 5 मिनट तक स्टीम लेने वाली हूँ। हफ्ते में एक बार तो हमें स्टीम लेनी चाहिए, इससे हमारे चेहरे के पोर्स क्लीन रहते हैं। स्टीम लेने के बाद हम अभी स्क्रब बनाने वाले हैं। आपके पास अगर कोई स्क्रब होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको घर पर स्क्रब बनाकर दिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, उसमें मैंने आधा चमचा हनी डाला हुआ है। नेक्स्ट मैं उसमें फ्यू ड्रॉप्स रोज वाटर ऐड करूंगी और इस पैक को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है और इसके हमें थिक पेस्ट बनानी है, जैसे कि हम अच्छी तरह से इससे स्क्रब कर सकते अपने चेहरे पर। 2 मिनट तक मैं अपने चेहरे पर अच्छी तरह से इससे स्क्रब कर लूँगी। मैं जब तक स्क्रब कर रही हूँ हम थोड़े से देखते हैं इससे बेनिफिट्स क्या है हमारे स्किन के लिए। चावल के आटे से हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, चेहरे पर चमक आती है और डेड स्किन रिमूव करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। और सबसे अच्छा बेनिफिट इस स्क्रब का ये है कि इससे हमारे चेहरे के ब्लैक हेड और व्हाइट हेड ईजिली रिमूव हो जाते हैं। और इसमें मैंने हनी ऐड किया है जिससे हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। 2 मिनट तक मैं इसे अपने चेहरे पर स्क्रब करूंगी, उसके बाद 2 मिनट तक स्क्रब को ऐसे हमें छोड़ देना है। इस प्रोसेस को हमें टोटल 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से अपना चेहरा क्लीन कर लूंगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फेशियल मसाज। फेशियल मसाज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वोलेमिना की डे क्रीम ली है जो मैं यूज करती हूँ। जो भी क्रीम आपके पास होगी वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको थिक क्रीम लेनी है, जैसे कि वो स्लीपरी होनी चाहिए थोड़ी, उसकी वजह से हम अच्छी तरह से अपने स्किन पर मसाज कर सकते हैं। जिस तरह से मैं फेशियल मसाज के आपको स्टेप्स यहाँ पर दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको भी अपने फेस पर मसाज करनी है। और याद रखें कि मसाज जब भी हम करते हैं ना तो चेहरे के उल्टी साइड पर हमें लेकर जाना है हाथ को। अगर आप अपने फेस के नीचे की तरफ मसाज करते हैं तो इससे आपकी स्किन लूज हो सकती है, इसलिए आपको फेस के ऊपर के डायरेक्शन में ही मसाज करनी है। नेक्स्ट मैं इस क्रीम को पूरी तरह से रिमूव कर लूंगी वेट वाइप्स की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप है हमारे फेस पैक, इसलिए मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ली है। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने purple.com से ली थी। अगर आपने अभी तक मेरे पर्पल हॉल का वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून हम मुल्तानी मिट्टी लेने वाले हैं और उसमें मैं ऐड करूंगी रोज वाटर। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो आपको यहाँ पर रोज वाटर की जगह कच्चा दूध लेना है। मुल्तानी मिट्टी से हमें नेचुरल ग्लोइंग स्किन मिलती है और इससे हमारे एक्ने भी कंट्रोल में आ जाते हैं, इससे हमारी स्किन भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। ये मुल्तानी मिट्टी 100% प्योर एंड नेचुरल है, केमिकल फ्री है। मुल्तानी मिट्टी सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल होती है। मार्केट में आपको इजीली 30 रुपीज में मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। मेरे पास एक बड़ा वाला पैकेट है इसलिए मैंने ये यूज किया है। 10 से 15 मिनट तक मैं इस फेस पैक को अपने चेहरे पर ऐसे ही रखूंगी, उसके बाद मैं अपना चेहरा नॉर्मल पानी से क्लीन कर लूंगी। उसके
उसके बाद हम अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए टोनर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर अल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर लिया है, ये भी मैंने purple.com से ही लिया था। टोनर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा अपने चेहरे पर मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी उसे। उसके बाद मैं अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लिया है। ये मेरे पास जो मॉइस्चराइजर है ये कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन और ऑयली स्किन के लिए है। जो भी आपके पास मॉइस्चराइजर होगा उसका आप यूज़ कीजिए। चेहरे पर मॉइस्चराइजर मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लम का लिप बाम लिया है और मैं अपने लिप्स को भी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लूंगी लिप बाम से। क्लीन अप करने के बाद मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर और लिप बाम का यूज़ किया है ताकि हमारे बेसिक स्किन केयर स्टेप को हम कंप्लीट कर सकें। आप देख सकते हैं अभी हमारी यहाँ पर क्लीन अप स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और मेरे चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप घर पर इजीली एवरी मंथ को क्लीन अप कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको इसके रिजल्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।